तो कुलदीप सर आप हेरूट सारला स्टूडियो में आए, आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना कुलदीप फौजी बामलिया। आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे को हरिपुर में जगमोहन जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, मैं भी एक छोटा सा यूट्यूब चैनल बना रखा है जिसका नाम गुरु म्यूजिक्स है, आप सब जानते भी हो। तो कुलदीप जी, बड़ी खुशी की बात है, मैं आपको सॉन्ग के लिए बधाई देता हूँ जो आपका नखरे वाली जो सॉन्ग आ रहा है कुलदीप सर का, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो ये जो सॉन्ग आ रहा है वो गुरु म्यूजिक पे आ रहा है, ये अपना यूट्यूब चैनल है सर का, अपना एक यूट्यूब चैनल है उस पर ही आ रहा है, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। फौजी साहब, आप इतने सालों से फौज में आपने हमारी सेवा कर, हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हैं सबकी सेवा करी, तो आपने तो आप तो बहुत ही सम्मान के पात्र हैं और एक लेखक भी हैं और साथ ही साथ आप प्रोड्यूस भी कर रहे हो, हरियाणी कल्चर को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे हरियाणा के लिए और हमारे हरियाणा के कलाकार के लिए। धन्यवाद। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। वैसे मैं पहले भी काफी जब भक्ति हुआ था तो म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट रखता था, राजेंद्र करके आदित्य साथ चले जा करते, बातें सुना करते, उसी को देखते हुए मैं यही सोचा कि थोड़ी हम भी कोशिश करें और हमारा कल्चर जो है इसको हम आगे बढ़ाएं। अब तो आप रिटायरमेंट के बाद में हीरो लुक में भी आ गए हैं, क्योंकि फौजी तो वैसे कटिंग रखते हैं ना। ये सही है आपकी बात, लेकिन मेरे को खुद भी अच्छे नहीं लग रहे इतने बड़े, ये कुछ डिमांड है। अभी जो अपना नेक्स्ट सॉन्ग आने वाला कनेडी वाली, तो उसमें डिमांड रखी गई थी, डायरेक्टर ने बोल दिया कि भाई आपका लुक जो है हमने बड़े बाल में दाढ़ी में चाहिएगा, फिर थोड़ा एजड लुक है इसलिए रखना पड़ रहा है, नहीं तो मैं कहीं शौक रखता हूँ। इस फिल्म लाइन के अंदर तो हर तरीके के रोल होते हैं जी सर, कभी हंसने का, कभी रोने का, कभी गाने का, कभी हंसाने का, तो कभी बुजुर्ग का, तो कभी जवान का। जी सर। बस इसी करके कोई भी काम हम करते हैं तो प्रॉपर तरीके से हम दर्शाएंगे, तो ये जरूरी नहीं कि पंजाब हमारे से आ जाएगा। मैं ये सोच लेके चल रहा हूँ और हर एक कलाकार को यही कहता हूँ कि भाई दो की जगह एक सॉन्ग करो, आप अच्छा करो, थोड़ा लीक से हटके करो, संस्कृति में बंद के करो, भाई उसको फोड़ता ना होनी चाहिए। सबसे मेन बात यही है, हम बच्चों को क्या दर्शाएं, क्या दिखा रहे, तो एक छोटी सी पहल है, जो भी नया कलाकार हमारे साथ जुड़ा है, तो मैं एक चीज आपको आज स्पष्ट कह रहा हूँ और सारे दर्शक भी सुने हैं, कलाकार भाई भी सुने होंगे, कि अगर हमने अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है तो नए कलाकार ऊपर लाओ भाई, नए कलाकार तब आएंगे जब हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो कुलदीप सर, लगभग आपके मार्केट में कितने सॉन्ग आ चुके हैं? मेरे अगर खुद के लिखे पुस्तकें तो मैं बहुत ही कम लिखता हूँ, और मैं अपने लिखने की शैली जो है अलग प्रकार की है। अभी पिछले साल मेरी चाइना की बेईमानी रागिनी आई थी, जो चाइना प्रोडक्ट के विरोध में थी। अच्छा। जो मास्टर कृपा शर्मा जी ने गाई थी बहुत बेहतरीन तरीके से। उसके बाद अभी अपना सॉन्ग आया था 15 अगस्त से 4 दिन पहले, आज संहिता की, क्योंकि मैं एक फौजी हूँ, तो मेरा अंतर आत्मा जो थी वो एक फौज के आचार को दिखाने की, दर्शाने की कोशिश थी, तो कोशिश की, लोगों को पसंद भी आया, उसमें मेहनत बहुत किया। तो उसके बाद में भी एक सॉन्ग आया अपना पंचम वर्ग की गाया, जिसकी वीडियो हो चुकी है, और उसमें भी एक्ट अपने गुरु जी ने ब्रह्म व्याजी समता जी ने किया, तो अगले शुक्रवार को हम उसको रिलीज करेंगे, और 4-5 सॉन्ग अभी और लिख के तैयार रखे। दूसरा प्रोड्यूसर में मैंने कम से कम मेरे प्रोड्यूसर के नाम उसमें या मेरे प्रोड्यूसर के 15-20 सॉन्ग मेरे मार्केट में आ गए। 15-20 सॉन्ग आपने प्रोड्यूस किए हैं, बहुत अच्छी बात है सर हरियाणा इंडस्ट्रीज के लिए। थैंक यू। इतने सॉन्ग आपने किए हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा आप प्राथमिकता कौन से सॉन्ग को देते हो, सबसे ज्यादा हिट आपका कौन सा रहा, आपको मन को कौन सा सॉन्ग ऐसा छुआ जो पब्लिक को भी असर कर गया? सर ऐसा है कि जो आदमी काम करता है उसके सारे सॉन्ग अच्छे होते हैं। बिल्कुल। और वो सभी सॉन्ग उसमें दिल लगा काम करता है। बिल्कुल। लेकिन मैं जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता देना चाहता हूँ, मेरा जो सॉन्ग आया था गुरु जी का लिखा हुआ था, जो मैंने प्रोड्यूस किया था और पंडित जी ने उसको रिलीज किया था, सरपंच की बात है, बिठा दी दावेदार। क्या बात है, क्या बात है, वो आपने इतना कमाल का सॉन्ग दिया हरियाणा को,
कि हर किसी के डीजे पे ब्याह में शादी में या इलेक्शन में लगा लो, किसी भी चीज पे लगा लो, उसका तो बहुत ही ज्यादा चलन रहा है, बहुत अच्छा रहा है वो, और आज भी लोग उसको सुन रहे हैं। सब वो तो सब आपका प्यार है, लेकिन उसका जो बनाने का और उसका जो लहजा है ना, वो कभी ना खत्म होने वाला है। बिल्कुल, वो इसी को देखते हुए मैंने उसको प्रोड्यूस किया था। उसके बाद अभी अपने गुरु म्यूजिक में आया था जोगन शिव की धुन, वही थी सत्तम जी वाला को, वो आज अभी 19.5 लाख उसके हो चुके हैं, छोटा सा चैनल है और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, दिल को छूने वाला सॉन्ग मेरे। कुलदीप जी, जो अभी हाल ही में मीटिंग हुई थी, जो हमारे नवीन ओरन नगरिया राइटर हैं, उन्होंने एक मुद्दा उठाया और वो मुद्दा इतना आकर्षक बन गया, उसमें सारे कलाकार एकजुट हो गए, कंपनी वर्सेस कलाकार जी। तो कंपनी वर्सेस कलाकार को लेकर के एक मीटिंग भी रखी गई ओरन नगर में, तो एक सफल मीटिंग रही वहाँ पर, लेकिन उस पर अभी काम जारी है, क्योंकि उनका जो मुद्दा था वो ये था कि कंपनियां हमारे सॉन्ग के ऊपर गलत टैग लगा रही हैं, हम इतना अच्छा लिखते हैं और हमारे सॉन्ग को गलत तरीके से मार्केट में पेश किया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे कंपनी को? सर, उसने जो मुद्दा उठाया था बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही अच्छा मुद्दा था, और मैं भी उस मीटिंग में गया था, आप भी वहीं पर थे, तो उसमें अच्छी काफी बहस भी हुई थी, लेकिन रिजल्ट उसका जीरो। मेरा तो कहने का मतलब यही है कि भाई हमारी संस्कृति को हम क्यों खराब कर रहे हैं। आज कोई लड़की आगे डांस करके चली गई, उसने डांस कर दिया, वो अपने पैसे लगी, लेकिन तू पैसा कमाने के लिए उसके ऊपर गलत गंदा टैग क्यों लगाते हो? स्पोर्ट्स करो, आज मैं कंपनी में भी चला रहा हूँ, अगर मैं ही काम कर रहा हूँ तो अच्छा नहीं। तो मेरा तो यही राय है, एक तो कलाकार भाई का जो हक है और मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसने राइट बेचा है, उसने एक म्यूजिक दिया है, उसके साथ में डांस नहीं बेचा उसने, उसने अपनी आत्मा नहीं बिक्री की। ये हमारी गलती है कि हम जब वहाँ पर जाते हैं एग्रीमेंट को पढ़ते नहीं है, हम अपने हाथ कटवा के वहाँ आ जाते हैं। तो मेरा तो कहना यही है कि भाई या तो गलत काम बंद कर दो या फिर ये जनता बंद करवा दी, हम साथ हैं इसमें, इस मुहिम में हम बिल्कुल तय दिल से साथ हैं और ये होना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही चल गया होगा, तो सभी कलाकार एकजुट हो गए हैं, जो कंपनियां हमारे कलाकारों के गानों के ऊपर जो गलत टैग लगा रही है, इन पर कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। तो हम कंपनियों से फिर से एक बार अनुरोध करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी सभी गानों के गंदे टैग हटा दें। हाल ही में कुलदीप जी, जो हेरिड का गठन किया गया है, जो औरंगनगर से ही एक पुनर्जन्म हुआ है हेरिड का, तो एक इलेक्शन इसका किया गया है। इसके इलेक्शन में जो हमारे हरियाणा के जाने माने लेखक रहे हैं पंडित मांगेराम शर्मा जी और उनके सपुत्र नवरत्न भारती जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है हेरिड का, तो ये सभी कलाकारों ने मिलकर के एक अच्छा निर्णय लिया है कि श्री नवरत्न जी को इस पद पर बैठाया जाए और इस हेरिड के कार्य को आगे बढ़ाया जाए जी। तो आप कलाकारों को हेरिड के बारे में क्या कहना चाहेंगे और पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हेरिड को और स्पेशली हमारे नवरत्न शर्मा जी को बधाई देता हूँ, ये बधाई के पात्र है। इनका जो काम करने का तरीका या शैली पूछो, ये बिल्कुल सबसे अलग है, ये किसी को भी अलग लेके नहीं, सबको मिला के चलते हैं। और इन्होंने भी इस पद को स्वीकार किया है, इसका फिर से स्वागत करते हैं। दूसरा, बहुत ही अच्छी पहल, अच्छी सोच है हमारी, अगर हम सब कलाकार एक यूनिटी बनाएंगे, सभी कलाकार मिलके एक दूसरे का हम सपोर्ट करेंगे, तो शायद आज जो भी कलाकार पीछे पीछे नहीं रहेगा। दूसरा, एक संस्था बनाई है आपने, मैं कहता हूँ संस्था का अच्छा गठन हो, अच्छा इसमें सुधार की वो होनी चाहिए। आज कितना बड़ा कोई राइटर है, स्टार है, जो लिखता है उसी से म्यूजिक का जन्म होता है। अगर हम लिखेंगे नहीं तो म्यूजिक क्या बनाएंगे, सिंगर क्या गाएगा, म्यूजिक क्या करेंगे? तो मैंने देखा है खुद के जो पर्दे के पीछे के कलाकार है ना, उनको लोग नहीं जानते हैं, कहीं पुलिस वाला रोक लेता है, कहीं कोई रोक लेता है। तो आप इसका कुछ ऐसा गठन करोगे, कोई भी जो कार्ड बनाते हो, जो भी करते हो, उसमें के ताकि वो बंदा दिखा दे और ये हो जाए हाँ भाई ये फलाना वाक्य में राइटर है या कलाकार है। दूसरा है, ये मैं मानता हूँ और कोई मानो मत मानो, कि कलाकार है ना किसी का नहीं होता,
कलाकार सबका होता है। बिल्कुल। और मैं इसको सैंतीस रात इसलिए बोलता हूँ कि भाई इसको सब मिलके काम अपने लिए नहीं, इंटरटेनमेंट के लिए करते हैं हम, पब्लिक के लिए करते हैं हम, दर्शकों के लिए करते हैं। तो सर मेरी हरिमूर से भी यही गुजारिश है और यही सरकार से गुजारिश है कि एक तो इनका टोल फ्री होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं भी हम जाते आते हैं तो ये हमारे लिए नहीं, हम पब्लिक के इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। बिल्कुल। इनका टोल फ्री होना चाहिए, इनकी कार बननी चाहिए, इनकी पहचान होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके एक कलाकार सही अपना काम दे पाएगा। बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों को जैसे हम बताएं कि हमारी सरकार हमारे कलाकारों के लिए ये ठोस कदम उठाए तो हमारे हरियाणा फिल्म इंडस्ट्रीज तो ऊपर उठेगी ही, साथ के साथ में हमारे हरियाणा के जितने कलाकार हैं उनको भी एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। तो हमारे जितने भी कलाकार हैं ज्यादातर उनकी एक ही मांग है सरकार से, हम सीएम साहब से अनुरोध करते हैं कि वो हमारे कलाकारों की आवाज सुने, उनके लिए जो टोल फ्री की सुविधा है वो भी लागू करें, और जो भी उनको गेस्ट हाउस मिलने चाहिए कि कहीं भी शूटिंग करने जाते हैं आउट ऑफ स्टेशन तो वहां उनकी मदद करें, और जहां शूटिंग में प्रशासन की जरूरत पड़ती है तो वहां भी हमारे कलाकारों को सपोर्ट करें। तो इस तरीके की अगर हमारे कलाकारों को सपोर्ट मिलती है तो हरियाणा को हम बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं। तो कुलदीप जी, आप हॉलीवुड स्टार लाइव स्टूडियो में पधारे, आपका तहे दिल से धन्यवाद, और आपके लिए हम शुभकामनाएं हैं हमारी, और आपके जितने भी सॉन्ग आ रहे हैं हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को यही कहेंगे कि गुरु म्यूजिक कंपनी पे आप सर्च कीजिए, यूट्यूब को सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे कलाकारों को हमारे राइटरों को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। धन्यवाद।